समाधान आपके लिए, पर सामने से तय चलेगा तय चल। जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, ये है एनसीसी के कैडेट। 1948 में एनसीसी का गठन हुआ, सरकार ने किया, इसलिए किया कि एनसीसी के बंदे कोई भी भारत में यानी अपने देश में कोई भी बाढ़ जैसी आपदा आती है, महामारी आती है, कोई भी ऐसी दिक्कतें होती है, युद्ध जैसी मुसीबतों में जैसे सेना को कुछ ना कुछ राहत पहुंचाना है, इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि ये डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेजों में, इसके कॉलेज में सबको एक एनओ के तौर पे दिया गया, वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया गया, एक एनसीसी की वर्दी बनाई गई, उसमें से कैप यानी सारा रूल इंडियन आर्मी का लगाया गया, उसमें से इंडियन आर्मी के बच्चों को ये समझ लो कि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उसका 50% एनसीसी के थ्रू, नेशनल कैडेट कोर्स के थ्रू सिखा दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि हथियार के बारे में, ड्रिल के बारे में, पीछे मुड़ दाएं मुड़ जो क्रियाकलाप आपके ट्रेनिंग के दौरान होता है, जब आप इंडियन आर्मी में भर्ते होते हैं, उसका सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ट्रेनिंग के दौरान, वो सब जाके एनसीसी में सिखा दिया जाता है। इसीलिए इंडियन आर्मी में एनसीसी सी सर्टिफाइड वालों का जीडी और ट्रेडमैन के लिए पेपर माफ कर दिया था, और टेक्निकल और क्या बोलते नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क के लिए कुछ नंबरों की छूट दे दी थी। आज टीओडी लागू होने में एक एनसीसी का नया नियम चालू हो गया, और थोड़ा कैमरा घूम के ले आओ। ये हमारे एनसीसी के सभी सी होल्डर्स हैं। अगर अभी जो पहले वाली जो भर्तियां होती थी अगर वैसी होती तो ये सभी जीडी के लिए अवेलेबल थे और इनका पेपर माफ होता, लेकिन आज ऐसा है, ऐसा नहीं है। अभी जो नियम लागू हुआ है भारत सरकार के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा जो नियम लागू हुआ था एनसीसी के लिए, उसमें क्या किया है कि अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, यानी ए, अभी पहले एनसीसी 2 साल की थी, अभी एनसीसी 3 साल की हो गई, उसी में जब 2 साल की थी उसी में आपको ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट मिलते थे, अभी क्या हुआ 3 साल का हो गया तो 1 साल ए बी सी मिलता है। अभी क्या हुआ कि जो अभी टीओडी के तहत जो भर्ती होने वाली है, जो अभी ऑनलाइन शुरू होंगे और जो भर्ती होगी, उसमें एनसीसी के लिए क्या फ़ायदा है, इंडियन आर्मी के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट था आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी ऑल ट्रेड, चाहे आप जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, आपको ए सर्टिफिकेट आपने लिया है तो 5 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी ऑल ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो आपके पास, ठीक है। अगर आपने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और पास हुए हैं बी ग्रेड, सी ग्रेड, अल्फा ग्रेड, जिससे भी पास हुए हैं, तो अगर आप जीडी में वैकेंसी देख रहे हैं यानी जीडी में भर्ती देख रहे हैं, तो आज भी आपका पूरा का पूरा पेपर माफ होगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडमैन में देख रहे हैं तो आज भी आपका पूरा का पूरा पेपर माफ होगा, ठीक है। अगर आपके पास दिल्ली आरडीसी परेड कैंप किया हुआ है तो आपको क्लर्क में भी पेपर माफ हो जाएगा। तो ये थे आज एनसीसी के फायदे। ये हमारे तीनों एनसीसी के कैडेट्स हैं और सभी परेड वगैरह, और जान लो जो भी एनसीसी किए हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ओरिजिनल जब भर्ती देखने जाएंगे पूरे ओरिजिनल लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ये नहीं रखना है कि मैं बाद में लगा दूंगा, अगर आप पहले लगाएंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।